लोकसभा चुनाव 2024 का अब आखिरी पल आ गया है। सातवें चरण की वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल से फाइनल नतीजों की भविष्यवाणी हो जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होंगे या नहीं, ये 4 जून के फाइनल रिजल्ट से ही पता चलेगा। पिछली बार ज्यादातर एग्जिट पोल सही साबित हुए थे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इन 40 सीटों के भी आज एग्जिट पोल जारी होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में इस बार एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें दिखाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में कैसे रहे थे एग्जिट पोल के नतीजे। लोकसभा चुनाव 2019 में एग्जिट पोल के हिसाब से भाजपा को असल में अधिक सीटें मिली थी, या यूं कहें कि एग्जिट पोल में जितनी सीटें मिलती दिखी थी उससे अधिक ही सीटें मिली। एग्जिट पोल ने ही बता दिया था कि बिहार में गठबंधन को झटका लगेगा। जब फाइनल रिजल्ट आया तो एग्जिट पोल के नतीजों पर मुहर लग गई। एक एग्जिट पोल ने बिहार की 40 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 34 से 36 सीट दिया था, वहीं महागठबंधन के खाते में 4 से 6 सीटें दिखाई गई थी। बिहार में जब 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी बेहतर भाजपा का प्रदर्शन दिखाई दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का खाता भी नहीं खोला। एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर अपनी जीत हासिल की। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 17, जेडीयू को 16, लोजपा को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 17 तो जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए कोटे से चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास को 5, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 और जीतन राम मांझी की हम को 1 सीट मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन में आरजेडी 23, कांग्रेस 9, लेफ्ट पार्टियां 5 और वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब हम आपको 2014 में क्या नतीजे रहे थे वो भी बता देते हैं। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 23 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। वहीं लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को महज 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2014 में जेडीयू ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू उस चुनाव में 2 सीटों पर जीती थी। इसके अलावा कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी की सहयोगी एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। तो इस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के भीतर एग्जिट पोल ने जो दावे किए थे, जो आंकड़े दिखाए थे, उससे इतर नतीजे आए थे। यानी कि एग्जिट पोल में बीजेपी को कम सीटें दिखाई गई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी ज्यादा सीटों पर जीती थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर amarujala.com।